अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम दोस्तों का हमारे कासमी शिफा चैनल में इस्तकबाल है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले काफ़ी दिनों से आपकी मदद और सेवा हम करते हुए आ रहे हैं और आपकी खिदमत में हम बहुत सी दुआओं की जानकारी लेकर पेश कर चुके हैं। दुआ करें इसी तरह आपकी खिदमत में हम आगे भी नई नई दुआओं की जानकारी लेकर पेश करते रहें। दोस्तों, आपके लिए हम बताते चलें, आपके लिए वीडियो बहुत ही अहम होगी, बहुत ख़ास होगी और ख़ास तौर से मेरे नौजवान दोस्तों के लिए, नौजवान साथियों के लिए। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त हैं कि आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, पहले मैं आपके लिए अपने बारे में बता दूं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आयुर्वेदिक, यूनानी और पैरामेडिकल में कई कोर्सेज किए हुए हैं। साथ साथ में मैं आपको बता दूँ, मैंने सेक्स थेरेपिस्ट कोर्स किया हुआ है और मैंने BEMS डॉक्टरी कोर्स भी किया हुआ है। इसलिए आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, घर बैठे दवा मंगा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, किसी दवा के बारे में भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं और कोई भी सलाह मशवरा आपको लेना हो, आप खुलकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की दवा के बारे में। तो दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं मादा से ताल्लुक़ रखने वाली दवा की जानकारी। दोस्तों, आपके लिए हम बताते चलें, इस रोग के मुख्य कारण हैं जैसा कि तेज़ मिर्च मसालों का इस्तेमाल करना, तंबाकू और चाय का सेवन करना, इसी तरीके से दर्द को ख़त्म करने वाली दवाओं का या सेक्स बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करना, नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करना या मानसिक तनाव रखना, इस तरह की तमाम तर जो हालतें हैं या जो कारण हैं, इनकी वजह से ये परेशानी हो जाती है। मादा में दर्द होता है, जिगर में सूजन आ जाती है, बदहजमी रहने लगती है, अफारा हो जाता है, बाज मरतबा खट्टी डकारें आती हैं और भूख भी नहीं लगती है, यहाँ तक के आदमी का खून भी बदलने लग जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ में मैं आपके लिए बताता चलूँ कि जब आदमी खाना नहीं चबाता है, दाँत जो है उनकी कमज़ोरी भी बढ़ जाती हैं और पेट में भारीपन रहता है, कब्ज़ के लक्षण पैदा हो जाते हैं और क़ुव्वत बाह भी कमज़ोर पड़ जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके भी ये परेशानी और इस तरह के लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं कि आपको भूख नहीं लग रही है या आपको खट्टी डकारें आती हैं, आपको अफारा रहता है, जी मचलाता है या खाने को जी नहीं करता है या गैस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो आप इस्तेमाल करें ज़ाइमोडी सिरप। जी हाँ दोस्तों, ये ज़ाइमोडी सिरप आप सुबह शाम 1 से 2 ढक्कन खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप जो इसके साथ स्क्रीन पर दूसरी वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं, इन वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह आपके लीवर की, आपके जिगर की परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा, आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ हो उससे भी आपको छुटकारा मिलने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियोस हम आपकी खिदमत में लाते रहते हैं और आपकी खिदमत में हम पेश करते रहते हैं। और अगर आपको कोई और दवा की जानकारी चाहिए तो आप अपनी सलाह के मुताबिक हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ। और कोई भी आपको बीमारी है तो आप एक बार संपर्क ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे विदा चाहूँगा। उससे पहले फिर मैं आपकी खिदमत में शेयर कर दूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आयुर्वेदिक, यूनानी और पैरामेडिकल में कई कोर्स किए हुए हैं और मैंने सेक्स थेरेपिस्ट कोर्स भी किया हुआ है और साथ में BEMS डिग्री कोर्स भी मैंने किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी परेशानी आपको हो तो आप एक बार ज़रूर संपर्क करें। कोई दवा मंगानी हो आप हमसे बता सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप इंडिया के किसी भी कोने से होंगे तो आपकी हम ज़रूर मदद करेंगे। दोस्तों, अब इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।